स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप सेवेंथ एट क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आज हम डिस्कस करेंगे इसका मैथमेटिकल फॉर्म। तो देखिए, इलेवेंथ क्लास में इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। क्या फॉर्म है? सपोज यू हैव ए सिस्टम, आपके पास एक कोई सिस्टम है, ये आपके पास कोई सिस्टम है। एंड सपोज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज यू वन, और जो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी है वो आपका यू वन है। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज यू वन। अब इस सिस्टम को आप Q जूल्स ऑफ हीट सप्लाई करते हैं। जो आपने Q जूल्स ऑफ हीट सप्लाई किया, इसके कारण इसकी इंटरनल एनर्जी अब इंक्रीज होकर U1 प्लस Q हो जाएगी। सो सपोज Q जूल्स ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। आपने सिस्टम को Q जूल्स ऑफ हीट सप्लाई किया, तो इसके कारण इंटरनल एनर्जी अब बढ़कर U1 प्लस Q हो गई। पहले इंटरनल एनर्जी आपकी U1 थी, आपने Q जूल्स उसको सिस्टम को हीट सप्लाई किया, जिसके कारण इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होकर U1 प्लस Q हो गई। एंड नाउ सपोज W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब सिस्टम के ऊपर आप W अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं। देखिए, जो वर्क होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है। तो ये इंटरनल एनर्जी अब इंक्रीज होके U1 प्लस Q प्लस W हो जाएगा। ये जो पूरा है U1 प्लस Q प्लस W, आप इस पूरे टर्म को एक नए टर्म U2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब U2 माइनस U1 इक्वल्स Q प्लस W, और U2 माइनस U1 को मैं डेल्टा U लिख सकता हूँ। दिस इज Q प्लस W। सो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी को ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं इलेवेंथ में, और हम इसके और भी कई फॉर्म्स पढ़ेंगे। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर इसकी मॉडिफाइड फॉर्म्स भी हम पढ़ेंगे।